सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज की पहली कटाफ जारी हो गई है, पीजी की। ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज की पहली कटाफ जारी है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इस कटाफ को, क्योंकि ईश्वर सरल एक अच्छा कॉलेज, अपने आप में बेस्ट कॉलेज है। यहाँ जो भी लोग पढ़े हैं जानते ही होंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गजब का है, अनुशासन बहुत गजब का है, बाकी सब तो बताएंगे ही हम लोग। और देखिए इसकी पहली कटाफ जारी हुई है, पीजी की पहली कटाफ जारी हुई है। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएससी में शायद गए लोग, एमए और 14 कोर्सों की कटाफ कुल जारी हुई है। मैं कटाफ जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसके पहले मैं बता दूँ कि इनकी पूरी प्रक्रिया प्रवेश की ऑनलाइन होगी। आपकी काउंसलिंग के लिए आपको कहीं नहीं आना है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आपकी वेबसाइट ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज की वेबसाइट ऑफिशियल है www.isdc.ac.in पे पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होगी। और यह कट ऑफ केवल कल के लिए है, मतलब आज कट ऑफ अभी जारी हुई है, कल जो है इसकी काउंसलिंग होगी 5/8/2023, यानी कि कल इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी। कट ऑफ देखिएगा, कल इतने नंबर से अधिक वाले हैं अपना जाके एडमिशन करवा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र की एम ए इकोनॉमिक्स की 100 से अधिक पीजीएटी में जितने लोग नंबर पाए हैं, यूआर कैटेगरी के एडमिशन कल करवाइए, एसटी कैटेगरी के सभी लोग। इसी प्रकार देखिए शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में 80 से अधिक सभी लोग, मतलब सभी वर्ग यानी कि यूआर कैटेगरी 80, एसटी में आल। इसी प्रकार एमकॉम वाणिज्य की, मतलब एमकॉम की देखिए 120 से यूआर कैटेगरी 120 से अधिक एंड एसटी में आल, एसटी के सभी लोग जाइए अपना एडमिशन करवाइए। एसटी के बाद फिर देखिए संस्कृत हो गया, फिर रक्षा स्त्रातजिक अध्ययन एम ए एम एस सी दोनों इसमें होता है। इसकी कटाप देखिए 150 से अधिक 150 से अधिक यूआर कैटेगरी और एसटी जो है सभी लोग आल। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में 100 से अधिक सभी वर्ग और एसटी के सभी 100 से अधिक यूआर कैटेगरी और एसटी के सभी लोग। संस्कृत यूआर कैटेगरी 40, 20 ओबीसी कैटेगरी की 20 कटाफ, बहुत कम कटाफ संस्कृत की गई है आईआरटीसी की, इतना शायद पिछली बार नहीं गई थी। और एसटी के सभी लोग। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी 65 से अधिक यूआर कैटेगरी, 40 से अधिक ओबीसी कैटेगरी और एसटी के सभी लोग। प्राचीन इतिहास 130 से अधिक यूआर कैटेगरी के लोग। अनरिजर्व कैटेगरी में जिसको भी लेना है 130 से अधिक है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बाद में कटाफ दूसरे तीसरे राउंड में जारी होगी, उसके लिए परेशान नहीं होना, जिसका नहीं होगा इसमें तो अगले में हो जाएगा। मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री की 120 से अधिक यूआर कैटेगरी और एसटी कैटेगरी सभी लोग। हिंदी की कटाफ 100 से अधिक सभी वर्ग के, मतलब यूआर कैटेगरी 100 से अधिक, एसटी कैटेगरी आल, मतलब सभी लोग। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस आल कैटेगरी यूआर की 175 से अधिक या उससे अधिक, जिसका भी नंबर है कल काउंसलिंग करवाइए। और देखिए आगे क्या क्या है। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का 140 से अधिक यूआर कैटेगरी और एसटी की आल। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की है यूआर कैटेगरी 140 और एसटी की सभी, मतलब आल एसटी के लोग सभी लोग। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट भी बता दे रहा हूँ। इन्होंने जो बताया है कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर एवं ग्रेजुएशन, क्योंकि यह पीजी का एडमिशन है तो हाई स्कूल इंटर एवं ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपने, मतलब उसकी क्या नाम है, छाया प्रति, मतलब उसका अपलोड करना होगा आपको डॉक्यूमेंट, उसका फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा वहाँ पे। स्थानांतर मतलब टीसी लगाना है, टीसी माइग्रेशन लगाना है आपको, चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, जहाँ आप पढ़ें वहाँ से मिलेगा, आप टीसी लेंगे तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। एसटी ईडब्ल्यूएस की जो है क्या लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है अपना, जाति जिस जात से हैं, या एक बात ध्यान रहे कि जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि छात्र जिन्होंने छोड़ दिया है, क्या दिया है, यदि छात्र जिन्होंने बीच में अध्ययन छोड़ दिया है, शपथ पत्र की स्वप्रमाण पत्र के साथ परिस्थिति में किया है, इसका कोई मतलब नहीं आपके लिए है। दिव्यांगजन, हाँ एक चीज़ और देखिए कि जिसके पास और कोई मतलब सर्टिफिकेट है, जैसे एजुकेशन मतलब इसका स्पोर्ट का कोई है, आप पीएच कोटा के हैं या फिर किसी और एनसीसी के आपके पास कोई है, कोई भी आपके पास है तो आप उसको जरूर लगा दीजिएगा, आपको उसको लाभ हमेशा मिलता रहेगा, हमें अभी नहीं लास्ट तक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों मोनिका प्रवेश विचारणी होगा जिसने प्रवेश के लिए परीक्षा दी है, वही मतलब पीजीटी में जिन्होंने आपने परीक्षा दी है उसका एडमिशन होगा। बाकी अब पूरी सूचना है आईआरडीसी की पहली कटाफ यानी कि ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी,
पीजी में जिसका भी है आप लोग जाके अपना एडमिशन करवा लीजिए कल, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया IRTC की पहली कटाप, बाकी आगे कटाप जैसे जैसे आएगी हम आपको बताते चलेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले आपको सभी खबरें मिल जाएंगी, कटाप वगैरह सभी चीज़ें। बाकी फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के सभी प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।